हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर ओर्स। गाइज, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, CGL, CPO, CHSL, MTS, रेलवे, कहीं का भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से ओर्स से क्वेश्चन बनता ही है हर बार, एक ना एक नंबर का, इस बात की गारंटी है। और अगर आपने ये प्रॉपर वीडियो देख लिया तो आप कहेंगे कि भाई साहब क्या वीडियो है, मज़ा आ गया, इस बात की भी गारंटी है, क्योंकि मैं सारा का सारा ट्रिक्स की हेल्प से बताऊँगा। और ये वीडियो सौरभ सचन नाम के एक स्टूडेंट है, उसकी स्पेशल डिमांड पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, वो भी देखें और बाकी बंदे भी देखें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, सारा का सारा ट्रिक्स है। ओके, पहला है, देखो ध्यान से, पहला है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम अपना मेटल है, ठीक है। इसके ओर्स कौन कौन से हैं? एक है फेल्सफर, एक है बॉक्साइट, एक है क्योलिन, एक है एल्यूनाइट, एक है कोरंडम और एक है क्रायोलाइट। सारा का सारा लूसेंट से लिया कंटेंट दोस्तों, तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया मतलब आपने लूसेंट से पढ़ लिया। ओके, तो इसकी ट्रिक क्या है? ऐसे तो याद नहीं हो पाएंगे, मैंने जो ट्रिक बताई है ध्यान से देखिएगा। ट्रिक ये है कि आप दो दोस्त हो, है ना, आप रेंट पर रहते हो रूम में, तो आपके दोस्त ने क्या किया, एल्युमिनियम की दूध गर्म करने की गंजी लेकर आया, ठीक है, गंजी एल्युमिनियम की रहती ना, तो भैया उसने गंजी लेकर आया और घर पर लाया तो गंजी एकदम से गिर गई, तो गंजी टूट गई। गंजी टूट गई तो भैया आपका दिमाग ख़राब हुआ, आपने कहा अरे मतलब ये गंजी कैसे गिरी, है ना, तो जैसे गंजी गिरी तो गंजी टूट गई, तो आपने उसको गाली बक दी। बॉक्स साइड से आया बहू, तो आपने बहू की गाली बक दी, अरे बहू की आँख, तूने क्या किया यार, ये क्यों ली तूने ये एल्युमिनियम की गंजी, इसमें बिल्कुल भी दम नहीं है, ऐसा बोल दिया आपने उसको, तो बेचारा वो दुखी हो गया और वो रोने लगा। तो बस यही ट्रिक है, जैसे ही गंजी गिरी, गिरी मतलब गिरना मतलब फैल, जैसे ही गंजी गिरी आपने उसको बहू की गाली बक दी, तो बॉक्साइट, और आप बोल रहे हो क्यों ली तूने एल्युमिनियम की ऐसी गंजी, इसमें बिल्कुल भी दम नहीं है, तो आपका दोस्त रोने लगा। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक थी, इससे शानदार ट्रिक हो ही नहीं सकती, एक ही बार में सारे के सारे पाँच छः खत्म याद हो जाएंगे। ओके, तो फैल से बना फेल्सफर, बहू से बना बॉक्साइट, क्योली से बना क्योलिन, एल्युमिनियम से बना एल्युनाइट, दम नहीं है बिल्कुल मतलब बना कोरंडम, और लास्ट में क्राय मतलब क्रायोलाइट। तो यह तरीका याद करने का दोस्तों, इससे बेस्ट तरीका अगर मिल जाए ना तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में कि भाई इससे भी बेस्ट तरीका है। ठीक है, नहीं हो सकता क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सोच सोच के प्रॉपर बनाया वीडियो आपके लिए, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो आगे, एल्युमिनियम ख़त्म, अब बची है सोडियम की बारी आई। सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, सिंबल Na होता है। तो इसके चार ओर्स हैं, एक है चील सॉल्ट पीटर, एक है ट्रोना, एक है बोरेक्स, एक है कॉमन सॉल्ट। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए दोस्तों, फनी तरीके से याद करेंगे। सोडियम से बनाया मैंने एक वर्ड उठाया सोडी, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो देखा होगा ना, सीरियल सब टीवी पर आता है, तो बस वही सरदार सोडी को मैंने उठा लिया। तो भैया सोडी क्या कर रहा था एक दिन, वो बेचारा बैठा बैठा बोर हो रहा था, है ना, तो उसने के टेबल सामने देखी तो उस पर मिर्ची रखी थी, हरी मिर्ची, उसने कहा कि चलो हरी मिर्ची खा के देखते हैं। तो उसने चाइल्ड जैसे ही हरी मिर्ची खाई तो भैया उसको बहुत तेज मिर्ची लगी, तो वो रोने लगा। तो फिर उसको लोग समझा रहे, अरे भैया तूने सीधी सीधी मिर्ची क्यों खाई, उसको नमक में लगा के खाता तो ज़्यादा टेस्टी भी लगती और मज़ा आता खाने में, तो उसको सब ज्ञान देने लगे। तो यही ट्रिक है। एक बार फिर से, सोडी तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला सरदार बोर हो रहा था, तो भैया उसने उठा के मिर्ची खा ली, तो फिर वो रोने लगा और फिर लोग उसको बोल रहे हैं कि तू नमक में लगा के खाता। बस इतनी सी ट्रिक है। तो चाइल्ड से बना चाइल्ड सॉल्ट पीटर, रोना से बना ट्रोना, है ना, बोर से बना बोरेक्स, और सॉल्ट से बना कॉमन सॉल्ट। ये चार ओर से ये ख़त्म। इस तरीके से आप याद करेंगे, आपको मैक्सिमम टाइम तक आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहेंगी, वरना आप भूल जाएंगे भैया कि ट्रोना था कि बोरेक्स था। अगर आपको ये ट्रिक थोड़ी सी भी याद रही कि भैया सोडी नाम का बंदा था, बोर हो रहा था, फिर उसने मिर्ची खा ली, फिर वो रोने लगा, फिर उसको सॉल्ट के लिए बोला गया कि तू नमक के साथ खाता, इतना आपको याद रहेगा तो आप पक्का ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और आपका नंबर बढ़ जाएगा। यही तरीका याद करने का, ट्रिक्स है, वरना कोई तरीका नहीं है। आप बेवकूफ़ों को तरह रटते रहो और भूलते रहो, बट मैं नहीं ये चाहता। अगर आप मेरे वीडियो पर आए हैं तो आपका एक एक सेकेंड, एक एक मिनट यूज़ होना चाहिए, इसलिए मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिले। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, यही एक मेरा मोटिवेशन है। थर्ड देखिए, पोटेशियम। अब ये भी शानदार है, पोटेशियम के दो ओर्स हैं, एक है नाइट्रे, एक है कर्नेलाइट। अब देखो ध्यान से देखिए दोस्तों, फनी ट्रिक है। पोटेशियम के अंदर मैंने क्या सोचा, मैंने एक वर्ड उठा लिया पोटी। अब भैया इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, फ्रेश होने जाते तो बोलते हैं मैं पोटी जा रहा हूँ, बच्चे पोटी कर देते हैं। तो भैया आप अपने एक गाँव में गए हो, आपके दोस्त के यहाँ, आपको वहाँ पोटी लगाई बहुत जम के, क्या लगा वो भैया मेरे को तो पोटी जाना भाई कुछ बता, तो आपके दोस्त क्या लगा भैया यहाँ तो कुछ बाथरूम होते नहीं है, एक काम करो आप तुझे नाइट में जंगल में चले जाओ, है ना, इधर पीछे पेड़ पहाड़ में। तो आपने कहा भैया हम नाइट में नहीं जाएंगे, यहाँ नाइट में, यहाँ ये करने लायक जगह नहीं है नाइट में, पता लगा पीछे से भूत मूत शेर वेर आ गया तो, है ना,
तो भैया आप घबरा गए, आपने कहा भैया हम नाइट में नहीं करेंगे, नाइट में करने लायक जगह नहीं है ये, हम नहीं जाएंगे। तो बस इतनी सी ट्रिक थी, ख़त्म। पोटेशियम से बना पोटी से बना पोटेशियम, और नाइट में करने लायक जगह नहीं है तो करने लायक से बना करने लाइट। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, वरना गारंटी है इस बात की भी आप भूल जाएंगे, क्योंकि मैं भी भूल चुका हूँ, इसलिए मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से सोच के ये ट्रिक बनाई है ताकि आपको हेल्प मिले। ओके, तो नाइट में ये जगह करने लायक नहीं है तो करने लायक से करने लाइट। ओके, और नाइट नाइट में बना तो नाइट रे। ऑलराइट, तो आपको पक्का समझ में आएगा, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों। इसी से मुझे अप्रिशिएशन मिलता है और इसी से मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी वीडियो बनाऊँ आपको, ठीक है। फोर्थ वाला देखिए, सिल्वर। सिल्वर सिल्वर में दो बिल्कुल सरल सरल है, एक है रूबी सिल्वर, एक है हॉर्न सिल्वर। इजी है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिल्वर वर्ड इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो रूबी सिल्वर एंड हॉर्न सिल्वर। ओके, अब देखो मैग्नीशियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि मैग्नीशियम जो अपना मेटल है इसके कितने ओर्स हैं। तो पहला है, बता देता हूँ आपको, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एप्सोम सॉल्ट, कैसेराइट और कर्नलाइट। ओके, अब देखो इसको कैसे याद रखा मैंने, मैंने ऐसे याद रखा कि भैया जब आपको, जैसे मैं जिम जाता हूँ रोज़, तो मुझे पता है कि मेरी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम भी होना चाहिए प्रॉपर, कैल्शियम भी होना चाहिए, आयरन भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो अभी बात चल रही है मैग्नीशियम की, तो भैया जब मैं जिम जाता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी मैग्नीशियम सही है कि नहीं। मैग्नीशियम अगर सही रहेगा तब जाके मेरे डोले शोले वगैरह प्रॉपर बनेंगे जिम में। अगर बॉडी में अगर कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन की कमी रहेगी तो कहाँ से बॉडी बनेगी। इसलिए मैग्नीशियम होना चाहिए, तब जाके मेरे डोले शोले बनेंगे। और मुझे एप्सोम के अंदर वर्ड बना सोम, सोम वर्ड आ रहा है, तो मुझे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, हर दिन मेरे को जिम जाना पड़ेगा, जब जाके मेरे डोले शोले बनेंगे। ओके, और आप पूछ रहे हो कि भैया फिर कैसे करूँगा वर्कआउट में, जैसे मैं कैसे करता हूँ, तो मैं YouTube पर जाता हूँ, वहाँ एक्सरसाइज डालता हूँ कि चेस्ट एक्सरसाइज, शोल्डर एक्सरसाइज, तो वहाँ से मैं देख के एक्सरसाइज करता हूँ। तो मैं एक्सरसाइज ऐसे करता हूँ, ठीक है। आप पूछोगे कैसे करते हो, तो मैं ऐसे करता हूँ, और यही तरीका है एक्सरसाइज करने का, सबसे प्रॉपर करने का, तो करने लाइट से करने। तो बस ट्रिक ख़त्म एक बार फिर से, कि भैया मैग्नीशियम बॉडी के अंदर पूरा होना चाहिए, जब जाके मेरे डोलो शिलो बनेंगे। मुझको सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हर दिन मेरे को जिम जाना पड़ेगा। मैं कैसे एक्सरसाइज करूँगा, यूट्यूब से देख के, और यही तरीका करने का सबसे बेस्ट है एक्सरसाइज करने का। तो आपकी ट्रिक से सारे के सारे कंप्लीट हो गए। पहला था मैग्नीशियम होना चाहिए, जिससे बना मैग्नेसाइट, डोले शोले से बना डोलोमाइट, सोम मंगलवार से बना एप्सोम सॉल्ट, कैसे करूँगा मैं तो कैसे से बना कैसेराइट, और करने का सही प्रॉपर तरीका यही है, तो इससे बना करने लाइट। ओके, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मैं फिर से कहूँगा कि इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता, बड़ी मेहनत से मैंने प्रॉपर बनाया है, आपको ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, आप बिल्कुल लिख के बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो, और आगे आप क्या चाहते हैं। आप जो भी बोलेंगे मैं वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो स्पेशल सौरभ नाम के स्टूडेंट के लिए है, स्पेशल उसने रिक्वेस्ट करी थी, इसलिए मैंने बनाया उसके कहने पे। तो आप भी अपना पॉइंट रखिए, कमेंट बॉक्स यूज़ करिए, आप जो वीडियो बोलेंगे वो वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम देखो दोस्तों, ये तो बहुत शानदार है। कैल्शियम के कौन कौन से ओर हैं, तो कैल्शियम के पहले पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। एक है कैल्साइट, एक है जिप्सम, एक है डोलोमाइट, एक है फॉल्सपर, है ना, और एक है एस्बेस्टस। ओके, इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों, मैंने कैसे याद रखा, मैंने ऐसे याद रखा कि देखो भैया कैल्शियम के अंदर वर्ड आ रहा है कैल्सी, है ना। अब भैया जैसे एक लड़का है, वो कैल्सी लेकर एग्ज़ाम देने गया अपने कॉलेज में सेमेस्टर में, ठीक है, कैल्सी अलाउड होता है ना इंजीनियर्स को, तो वो कैल्सी लेके गया, तो कैल्सी साइड से बना पहला कैल्सी, कैल्सी लेके गया, और वहाँ वो छुप छुप के एग्ज़ाम के टाइम पे छुप छुप के बिल्कुल सम कर रहा था, गुणा कर रहा था, माइनस कर रहा था, मतलब यूज़ कर रहा था कैल्सी को, है ना, गुणा भाग उसी से कर रहा था वो। तो उसको भैया टीचर ने पकड़ लिया, तो वो घबरा गया, उसने सोचा भैया अब तो मैं मरा, अब तो मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो उसने एक्टिंग करी और वो डोलने लगा, ऐसे ऐसे करने लगा जैसे उसको चक्कर आ रहे, तो वैसे वो डोल गया, उसका सर यहाँ घूमने लगा, ठीक है। तो वो जैसे ही डोला और नीचे फ्लोर पर गिर गया एक्टिंग करते करते, तो भैया उनने टीचर लोगों ने कहा, भैया तू ऐसे परेशान मत हो, तबीयत ख़राब मत कर, तू ये कैल्सी पकड़ और अच्छे से गुणा भाग कर और सिलेक्शन ले और निकल यहाँ से, ठीक है। तो ये लड़के की बेस्ट ट्रिक थी, क्या थी, ये लड़के की बेस्ट ट्रिक थी, बेस्ट स्ट्रेटजी थी। ओके, तो बस यहाँ से ट्रिक से ख़त्म। कैसे, एक लड़का था, कैल्शियम की बात चल रही है, जो कैल्सी लेके गया, गोड़ा भाग कर रहा था, सम कर रहा था, जैसे ही टीचर ने पकड़ा तो भैया वो डोल गया, एक्टिंग करने लगा चक्कर आने की, और फ्लोर पर गिर गया, और यही उस लड़के की बेस्ट ट्रिक थी। ओके, तो बस ख़त्म आपके सारे के सारे कैल्शियम्स के। और कैसे, कैल्सी से बना कैल्साइट,
जिप्सम से बना सम, है ना, सम से बना जिप्सम, क्योंकि सम गुणा भाग सब कर रहा था वो, और डोल गया उसे बना डोलोमाइट, फ्लोर पर गिर गया उसे बना फ्लोर स्पर, और यही उसकी बेस्ट ट्रिक थी तो उससे बना एस्बेस्टस। ओके, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरीके से याद करिएगा, गारंटी है कि आपके नंबर ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हो बड़ी ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे। ओके, अब देखते हैं आगे क्या है। ये वाला देखिए, कॉपर का, ये बहुत ईजी है और अच्छा है। कॉपर का भैया फॉर्मूला वो होता है सिंबल Cu, और सी से बात स्टार्ट हो रही है तो बहुत सरल है। क्यूपराइट सी से स्टार्ट हुआ है, कॉपर ग्लैंस सी से स्टार्ट हुआ है, एंड कॉपर पाराइट्स ये भी सी से स्टार्ट हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला है दोस्तों 8 नंबर का गोल्ड। गोल्ड का सिंबल होता है Au, है ना, तो इसके दो ओर हैं, एक है कैलेवराइट और एक है सिल्वेनाइट। मैंने ऐसे याद रखा कि भैया जिसके पास काला धन होता है खूब सारा, उसी के पास गोल्ड, गोल्ड के सिक्के बिस्किट दुनिया भर की चीज़ उसी के पास होती है, तो जिसके पास काला धन होता है उसी के पास खूब सारा गोल्ड होता है, और जिसके पास गोल्ड होता है भैया वो सिल्वर का क्या करेगा, वो चांदी का क्या करेगा। तो बस यही ट्रिक थी, तो गोल्ड की बात आएगी तो मुझे याद आ गया कि काला धन वाले के पास गोल्ड होता है, इसका मतलब ये हुआ कि कैलेवराइट एक और कंप्लीट, और गोल्ड जिसके पास होगा वो सिल्वर का क्या करेगा, तो बना सिल्वेनाइट्स। ओके, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, अच्छे से याद करिए दोस्तों, मैं नहीं चाहता आपका एक भी नंबर कटे, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये चैनल आपका है, मेरा नहीं, आप जो बोलेंगे वो बनाऊंगा, आपके लिए बनाऊंगा सारा का सारा। ओके, 9th वाला देखिए, मरकरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ओर है सिनेबार। मैंने कैसे याद रखा, मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं? पारा। तो भैया आपको कोई बार बार परेशान करेगा, सिनेबार के अंदर आ रहा है ना, बार 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 कोई बच्चा परेशान करेगा, है ना, बार बार, तो आपका पारा चढ़ जाएगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा, आप कहोगे साले चुपचाप बैठ, नहीं तो पकड़ कर पीठ में दो मुक्के मुक्के मारूंगा तुझे, ठीक है। तो अगर आपको कोई बार बार परेशान करेगा तो आपका पारा चढ़ जाएगा, तो मतलब मरकरी मतलब पारा, और पारे की बात आएगी तो सिनेबार आपके दिमाग में आना चाहिए। ये बेस्ट तरीका है याद करने का, क्योंकि आप बिल्कुल भूल जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि आप भूलें। तो याद रखिएगा, पारा की बात आएगी तो पारा कब बढ़ता है, जब आपको कोई बार बार परेशान करता है तो। ओके, तो ध्यान रखिएगा सिनेबार। ओके, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं एक ही बार पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। 10th वाला देखिए, लेड। लेड का क्या होता है दोस्तों? गैलेना होता है, है ना। लेड का और क्या होता है? गैलेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 50 बार एग्जाम में आ चुका है, रेलवे मेलवे में तो इस तरीके के क्वेश्चन भर भर के आते हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। तो लेड का क्या होता है, पहले तो सिंबल देखिए Pb होता है, और इसका और होता है गैलेना। तो मैंने ऐसे याद रखा कि मेरा एक दोस्त बाहर जा रहा था मार्केट, तो मैंने कहा भैया लेड को मैंने बना लिया लीड, पैन के अंदर जो लीड डलती ना, लीड ब्लू कलर की, तो मैंने कहा भैया तू मार्केट जा रहा है तो लीड जरूर ले लेना तू उधर, है ना, मार्केट जाके। तो मुझे याद हो गया कि लीड ले लेना, लेना। ओके, तो मुझे इस तरीके से याद हो गया, आपको भी हेल्प मिलेगी, जब भी लीड की बात आएगी तो आप बोल रहे हो लीड लेके आना, ले लेना मार्केट में। ओके, तो गैलेना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं 11th। देखिए ये है जिंक। जिंक का फॉर्म वो होता है सिंबल Zn। तो जिंक का बड़ा ईजी है, नाम पहले ही आ रहा है Z, तो जिंक ब्लेंड, और दूसरा है जिंकाइट। ईजी है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 12th वाला देखिए, बेरियम। बेरियम का सिंबल होता है Ba, तो B से स्टार्ट हुआ, ये भी बहुत सरल है, बेराइट्स बोलते हैं इसको, बेराइट्स। दोस्तों सारा का सारा कंटेंट लूसेंट से लिया है, कुछ भी मिस नहीं किया मैंने, सारा का सारा टाइप किया है आपके लिए। तो बेरियम का है बेराइट्स, इसको प्रॉपर पढ़ लो इस वीडियो को, बस आपका नंबर गारंटी बढ़ेगा, इस बात का मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ आपको। देखो 13th है टिन। टिन का सिंबल होता है Sn, ओके, और इसका होता और कैसेराइट। तो भैया कैसे याद रखोगे इसको? मैंने ऐसे याद रख लिया कि टिन से बना लिया मैंने एक टीना, टीना नाम की कोई लड़की है ना, आपकी फ्रेंड है, तो आप कहीं कॉलेज वॉलेज जा रहे हो तो भैया, तो आप हैंडशेक कर रहे हो, तो आपकी दोस्त टीना ने आपका हाथ जम के कस के पकड़ लिया कि यार अभी इतने जल्दी मत जाओ, अभी कुछ दिन रुको, है ना, आपकी फ्रेंड है वो। तो बस इस तरीके से मैंने याद कर लिया कि टीना नाम की लड़की है जिसने आपका हाथ कस के पकड़ लिया, तो कस के से बना कैसेराइट, कैस्टेराइट। ओके, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि टीना नाम की आपकी फ्रेंड ने कस के आपका हाथ पकड़ लिया और मना कर रही है कि मत जाओ। ओके, तो टिन से बना कैस्टेराइट। ओके, इस तरीके से याद करिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी और आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अब देखो 14th होता है एंटीमनी। एंटीमनी का दोस्तों होता है स्टेबेनाइट, है ना। मैंने कैसे याद रखा, देखिए एंटीमनी का सिंबल होता है Sb, ओके, और स्टेबेनाइट के अंदर ही Sb आ रहा है, S और B, तो मुझे याद होगा कि भैया एंटीमनी का यही होगा स्टेबेनाइट, क्योंकि Sb अंदर वर्ड आ ही रहा है इसके अंदर। ओके, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैडियम, कैडमियम। कैडमियम का सिंबल होता है Cd, और इसको बोलते हैं, इसके और होता है ग्रीनोसाइट। मैंने कैसे याद रखा दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था ये,
है ना, केमिस्ट्री में भी कैडियम कैडमियम की जो रॉड होती है वो ग्रीन कलर की होती है ना, मैंने पढ़ा था जो सही बात है ये, कैडमियम की जो रॉड होती है वो ग्रीन कलर की होती है, इसलिए उसका और याद हो जाएगा आपको, ग्रीनोसाइट। ओके, बहुत ईजी और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखो आगे, 16th है बिस्मथ। बिस्मथ, बिस्मथ का सिंबल होता है Bi, और बिस्मथ का सेम टू सेम है बिस्मथाइट। ओके, तो ईजी है, सरल है। 17th इम्पॉर्टेंट दोस्तों, आयरन का। आयरन का इम्पॉर्टेंट यह है कि देखो, आयरन का सिंबल होता है Fe, सबको पता है, मैंने इसकी ट्रिक बनाई, पहले पढ़ लो फिर बताता हूँ ट्रिक। आयरन का होता है हेमेटाइट, ये सबको पता है, साइडराइट, मैग्नेटाइट, लीमोनाइट, आयरन पाइराइट। मैंने कैसे याद रखा, मैंने ऐसे याद रखा कि देखो आयरन है ना, तो मैंने ऐसे याद रखा कि मेरे बाजू में, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया कि मेरे बाजू में पड़ोसी है, तो पड़ोसी क्या करते हैं मेरे घर में रोज़, है ना, मेरे साइड में जो पड़ोसी रहते हैं वो रोज़ मेरे घर में मैगी मांगने आते हैं कि मैगी का पैकेट दे दो, और नींबू भी मांगने आते हैं कि हम मैगी में नींबू डाल खाएंगे। ये कोई बात हुई, देख रहे हो, एक तो उल्टी सीधी चीज़ें मांग रहे हैं और नींबू भी मांग रहे हैं। तो मेरे साइड में जो पड़ोसी है वो मैगी मांगते हैं मुझसे और नींबू भी मांगते हैं कि हम नींबू डाल के खाएंगे, और रोज़ मांगते हैं। तो है से बना हेमेटाइट, और आयरन की बात चल रही है तो लास्ट में आयरन तो है ही। तो ये ट्रिक थी दोस्तों, एक बार फिर से, आयरन की बात चल रही है तो मैंने ये ट्रिक बनाई कि मेरे साइड में जो मेरे पड़ोसी होते हैं वो रोज़ मुझसे मैगी का पैकेट मांगने आते हैं, साथ में लेमन भी मांगते हैं, नींबू भी मांगते हैं मुझसे, है ना, मांगते हैं। तो है से बना हेमेटाइट, और आयरन पाइराइट तो है ही। तो ये आपको याद हो जाएंगे, मैगी के लिए मैग्नेटाइट, साइड में बना तो साइडराइट, लेमन के लिए बना लेमोनाइट, और मांगते हैं, है से बना हेमेटाइट, और आयरन का आयरन तो है ही। तो इस तरीके से आप इसको प्रॉपर याद कर सकते हैं, और इस बात की गारंटी दोस्तों, यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा ना तो आपका एक नंबर ज़रूर बढ़ेगा। मैं फालतू के वादे नहीं करूँगा कि आपके 10 नंबर बढ़ जाएंगे और 50 नंबर बढ़ जाएंगे, जो हो सकता है पॉसिबल वही बताऊँगा, बिल्कुल सच, कि आपका एक नंबर तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, आयरन और ओर से, मेटल और ओर से, तो आपका एक नंबर तो पक्का हो जाएगा, और आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जितनी ईमानदारी से और शिद्दत से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसे ही पढ़ें और आप आगे बढ़ें और सिलेक्शन लें। ओके, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए यार, मुझे बहुत ज़रूरत है आपके लाइक की, आपके कमेंट की, आप कमेंट करके बताइए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ओके, 18th देखिए, कोबाल्ट। कोबाल्ट को बोलते हैं CO, कोबाल्ट का है स्मेलाइट। क्या है? स्मेलाइट। तो मैंने कैसे याद रखा, स्मेलाइट को बना लिया मैंने स्माइल। क्या बना लिया? स्माइल। अब भैया एक प्यारी सी कोई लड़की थी जिम में, उसने एक स्माइल करी, तो मैं तो कोबाल्ट को मैंने बना लिया क्लीन बोल्ड, तो मैं तो क्लीन बोल्ड हो गया। उस लड़की ने जैसे ही स्माइल करी तो मैं उसकी स्माइल देख के क्लीन बोल्ड हो गया, तो मैंने कोबाल्ट को क्लीन बोल्ड बना दिया, मुझे याद हो गया, शायद आपको भी हेल्प मिले इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, स्मेलाइट को याद रखना स्माइल से, जैसे ही लड़की स्माइल करती है खूबसूरत सी, तो आप क्लीन बोल्ड हो जाते हो, और हो जाते हो कि नहीं, हो जाते हो पक्का, लड़कों को तो मैं जानते ही हूँ, मैं खुद एक लड़का हूँ, अच्छा है ना, तो मेरे को पता है कि लड़के को दिमाग में क्या चलता है। 19th वाला देखते हैं, निकल। निकल का सिंबल होता है Ni, और इसका और होता है मिलेराइट। क्या होता है दोस्तों? मिलेराइट। अब मैंने कैसे याद रखा इसको, मैंने एक मेरा दोस्त है निखिल नाम का, है ना, निखिल, तो बोल रहा है यार गौरव भाई मिलना है आपसे, गौरव भाई मिलना है आपसे, तो मैंने कहा एक काम कर भाई, घर से तू निकल तो पहले, है ना, निखिल को बना लिया निकल, घर से निकल तो तब जाके तो अपन एक दूसरे से मिलेंगे, तो मिले से बना मिले, मिलेराइट। ओके, तो मैंने याद कर लिया कि भाई घर से बाहर निकल तब जाके अपन एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी मुलाकात हो जाएगी, और ट्रिक की हेल्प से याद भी हो जाएगा कि निकल का ओर है मिलेराइट। ओके दोस्तों, इस तरीके से आप याद करिए और लाइफ में आगे बढ़िए, और अपने क्लोज फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर करके बताइए भाई कि इससे अच्छा वीडियो कुछ है नहीं है, पूरी यूट्यूब की दुनिया में सबसे बेस्ट वीडियो है ये, और इसको देखो और आप भी आगे बढ़ो। और मैं बात कर रहा हूँ क्लोज़ फ्रेंड की, कचरों की बात नहीं कर रहा हूँ, कचरों को टाइम देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज़ हैं उनको एक एक को शेयर करिए, एक बंदे को भी करिए सफिशियंट है, आप उनकी हेल्प करिए और खुश रहिए और उनको भी खुश करिए। ओके, अब देखो लास्ट सेकंड लास्ट क्या है, मैग्नीस। मैग्नीस का सिंबल होता है Mn, इसके ओर है मैग्नाइट और एक पायरोलुसाइट, ठीक है। अब मैंने मैग्नीस कैसे बना लिया, मैगी से बना लिया इसको, मैंने मैगी से बना लिया कि भैया एक मेरा दोस्त है मैगी खाने के लिए रो रहा है, वो है ना, मैगी खाने के लिए रो रहा है बार बार, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लास्ट है 21, यूरेनियम दोस्तों। यूरेनियम का ओर है कार्नेटाइट और दूसरा है पिच ब्लेंड, ठीक है। तो भैया मैंने ऐसे याद दिया, यूरेनियम के अंदर वर्ड आ रहा नियम, तो मैंने आपसे कहा कि भैया यूर नियम करने में बहुत टाइट है, तुम्हारे जो नियम है करने में बहुत टाइट है भैया, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैंने याद कर लिया कि यूअर नियम, तुम्हारे नियम करने में बहुत टाइट हैं, तो करने टाइट बन गया। और ये आखिरी का है पिच ब्लेंड।
ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ईजी है तो इसकी मेरे पास ट्रिक नहीं है, बट ये वाला इंपॉर्टेंट है, करने टाइट, क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, तो गाइस मैंने अपनी तरफ से अपना पूरा बेस्ट दे दिया है, अब आपकी बारी है कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार प्रॉपर देखें और अच्छे से याद कर लें, क्योंकि एक बात बता दूं मैं आपको, रिवीजन इज़ द की। जितने भी लोगों का आज तक सिलेक्शन हुआ है वो लोग बार बार रिवीजन करते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन हो जाता है। आप लोग भी बार बार रिवीजन करिए, 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, तोते की तरह याद हो जाएगा और आपका एक से दो नंबर पक्के बढ़ जाएंगे। और अपने फ्रेंड्स को मैंने बता दिया कि शेयर करें अपने क्लोज वन को, और मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा नेक्स्ट टाइम सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। मैंने कम से कम 145 वीडियो बना दिए हैं जीके पे, तो शानदार शानदार वीडियो है ट्रिक्स के हेल्प से। आप प्ले लिस्ट जाकर ज़रूर चेक करिए, आपको जो अच्छा लगता है आप पढ़िए, ओके। और कमेंट बॉक्स खाली दोस्तों, कमेंट ज़रूर करा करिए, अपना पॉइंट रखो कि मुझे ये चाहिए, मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप इस पे वीडियो बनाओ, 50 क्वेश्चन लाओ, टॉप 100 लाओ, टॉप 1000 लाओ, मैं लाऊंगा। आप अपना पॉइंट ज़रूर रखो लोग दोस्तों, और पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताओ और मुझे अप्रिशिएट करो, मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड नेवर एवर गिव अप।